तो अभी मैं आया था छत पे, अपना तिरंगा लग चुका है, अम्मी ने ही लगा दिया सुबह सुबह में। अभी साहिल भी आ चुका है और इसकी टी शर्ट देखो जरा, पैंट और ऊपर ये मस्त तिरंगा टी शर्ट। तो भाई ये देखो अपना पनीर टिक्का मसाला भी रेडी हो चुका है। इसको सोनम ने फ्लैग की तरह सजाया है, इंडियन फ्लैग की तरह, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन कलर में, भाई काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये साथ में बने हैं कुलचे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज है 26 जैन और अभी 10 बज गए, आप देख सकते हैं। और आज हम जाने वाले हैं पठान मूवी देखने, और मेरे दोस्तों की छुट्टी भी आज, जैसे कि मैंने कल वाले व्लॉग में आप सबको बताया ही था। और इधर फैज़ान अभी वॉक कर रहा है। फैज़ान सुबह सुबह का रूटीन है, रोज़ वॉक करता है, नाश्ते से पहले है ना, नाश्ते से पहले वॉक करता है आधा एक घंटा, फिर नाश्ता करता है। पहले नाश्ता कर लिया आज, आज पहले नाश्ता कर लिया, चाय और टोस्ट खा चुका है। चाय तो सर, अम्मी यहाँ पर मंजिल पढ़ रही है और आपने कमेंट करा था ना, मंजिल भी पढ़ा करो, लेकिन हम भी मंजिल पहले से ही पढ़ते चलो अच्छी बात है, सबने हमारे लिए करा होगा, हम नहीं पढ़ पाते। हाँ तुम्हारे लिए करा, सही बात, तुम्हारे लिए ही करा है, इसलिए अब पढ़ना चालू कर दो। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, वो वक्त ही नहीं मिल पाता, वक्त निकालना पड़ता है, अल्लाह के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है। सही बात है, अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। वैसे आज तो मूवी देखने जा रहा, आज तो नेक काम करने जा रहा हूँ। तोबा तोबा। अम्मी ने सरकास्टिकली बोला, आप उसको वो समझ लेना कि नेक काम बोल दिया उसको। फिलहाल देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। ओहो, ये काय के पराठे बन रहे? सेव और आलू के। सेव और आलू के पराठे बन रहे भाई, इसकी रेसिपी बना रही है क्या? नहीं, कुलचे की बना रही हूँ रेसिपी, तो उसका डो भी मैंने रेसिपी के लिए रखा है, आप आओगे तो वो ये कुलचा खाएंगे। और कुलचे के साथ आके देखना, कुलचे के साथ क्या बनेगा वो भी देखते हैं आके। खाना हमारा आके ही होगा, हमारा 11:15 का शो है, तो 11:15 बजे जाएंगे, तो शायद 2:30 बजे या 3 भी बज सकती है मेरे ख्याल से, जब आके खाएंगे। अभी मैं पहनने का सोच रहा हूँ एक टी शर्ट, स्वीट शर्ट है एक्चुअली, जो मैंने बहुत टाइम पहले मंगवाया था, लेकिन एक्चुअली मैं लास्ट ईयर मंगवाया था इसको, बट अभी तक पहना नहीं है। ये वाला है, ये देखो, ये HRX का है। HRX जो है ऋतिक रोशन का ब्रांड है, अगर आपको पता ना हो तो बता दूँ। और ऋतिक रोशन के जो ब्रांड है, इसके कपड़े ज़्यादा वो नहीं आते, महंगे बजट में होते, इकोनॉमिक प्राइस होता है, तो ये अच्छी चीज़ होती है इनकी। ये देखो मेरा साइज़ S साइज़ आता है मुझे, सबसे छोटा। तो अभी मैं आया था छत पे, अपना तिरंगा लग चुका है, अम्मी ने ही लगा दिया सुबह सुबह, मैं सोचा मैं लगाऊंगा, पर अम्मी ने लगा दिया जब तक मैं उठा तब तक। हम टोटल 7 लोग जा रहे हैं मूवी देखने भाई, अभी सबको एक एक करके कॉल करूंगा और बोलूंगा भाई रेडी होना, 10:30 बजे हम निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि फिर मॉल में ऊपर जाना पड़ेगा, पार्किंग में खड़ी करना पड़ेगी, उसमें 15-20 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा जल्दी पहुँचना पड़ेगा। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, मैंने सोचा नए कपड़े पहनूंगा उसके बाद आपको विश करूँगा, तो आप कर रहा हूँ। और इधर हमारी हानिया बेबी आ गई है उठ के, हानिया राजकुमारी, हमारी शहजादी है ये। इधर हमारा नाश्ता भी आ चुका है, दही एंड सेव पराठा, सेव आलू है ना? हाँ, सेव कुछ भी बोल सकते हैं, मेथी भी है, आलू भी है, पुदीना भी है, सेव मतलब सब चीजें मिक्स करके बना दिया गया है, मस्त लग रहा है। तो गाइस अभी साहिल भी आ चुका है और इसकी टी शर्ट देखो जरा, लाइट चालू करो हमेशा की तरह। और वो नेवी वाला तो फैजान लग रहा है, वो वाली मूवी थी ना, कौन सी थी वो, भारत 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 में पहनता है वो ऐसे ही देखो, अरे हाँ इस टाइप पे रहता है, मतलब कुछ ज्यादा ही कलर है इसके अंदर, उसमें तक कलर नहीं रहते, हाँ तू लग रहा है पक्का नेवी वाला, तो वो कपड़ा चलो ठीक है, आर्मी में जनरल लग रहा है, हाँ सही बोला तूने, आर्मी का जनरल लग रहा है तू, पेंट भी देने वही पे, हाँ कार्गो वाली पहनी हुई है, बूट्स चाहिए, बूट्स, अरे हाँ यार अपन बूट्स लेके आते हैं यार, बूट्स लाना है मुझे भी यार,
हर साल पहनेंगे हर साल के लिए बस एक एक जोड़ी बूट बहुत और क्या अच्छा तीन चार साल मेरे पास तो बूट रखे हैं तीनों पास वो बूट रखे ना मम्मी ओके ये हानिया यहाँ पर आया तो वाले जूते हानिया मुझे लग रहा है सब समझ रही है ऑफिस में बहुत पहले था हमने बहुत पहले के हानिया क्या सुधार रही है क्या गाड़ी को तो अभी हम सब निकलने के लिए रेडी मेरे दो दोस्त और आ रहे हैं भाई जब ग्रुप जाता है तो ऐसे ही होता है सब लेट करवाते साले A few minutes later. तो फिलहाल भाई हम सब निकल चुके हैं जगह जगह फ्लैग्स बिक रहे हैं आप देख सकते हैं हमें तो भाई मूवी देखने की अभी जल्दी हो रही है क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि शादान ने थोड़ा सा लेट कर दिया शाहरुख चाय पीने लग गया चाय पीने में उसने थोड़ा लेट कर दिया और इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो आई होप हमारा कोई भी ट्रेलर ना छूटे क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेलर भी आने वाले मूवी के स्पेशली फैजान को तो किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर देखना है तो वो ना छूटे और आज का मौसम तो भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल का और बहुत ही सुहाना मौसम है अब देख सकते हो भाई कबूतर भी मौज ले रहे हैं यहाँ पर और भाई आज धूप बिल्कुल नहीं निकली और फॉग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आप देख सकते हो सामने कितना सारा फॉग दिख रहा है यहाँ पर लेकिन मज़ा आ रहा है ऐसे में जाने में और ठंड भाई ठंड नेक्स्ट लेवल है आज आई होप थिएटर में ज़्यादा तेज़ एसी ना हो इनफैक्ट वहाँ हीटर ऑन हो तो ज़्यादा अच्छा और भाई फ़िलहाल तो हम सिग्नल पे रुक गए यार सिग्नल भी लेट करवा रहे हर चीज़ लेट पे लेट करवाई जा रही है मुझे मिस नहीं करना है भाई एसआरकी की एंट्री ना निकल जाए कहीं भैया हम आ चुके हैं पठान मूवी देखने और ये है पीवीआर सिनेमास हमारा शो पूरा हाउसफुल है देखो कितनी भीड़ हो रखी है अभी 11:15 पे हम अंदर जाएंगे हम टोटल 7 लोग आए जाहिर है कह रहे शाहरुख है एसआरके की मूवी में एसआरके पोज 11:01 हो रहे हैं भाई अभी हम पीवीआर का फील ही अलग आता है बाबा चले फिर वासिफ अली ये आपकी सीट है अरे यार ठीक होने ना अभी ध्यान से ये आपकी है फिर यहाँ से अपनी चालू है आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ वो भी अपनी हाँ वो भी अपनी भाई आधा घंटा हो गया आधे घंटे से एड्स दिखा रहे यार ये पीवीआर वाले कितना कमाओगे भाई बंद करो एड्स हम सोच रहे थे लेट हो गए लेकिन एड दिखा के इन्होंने हमको ऐसा बता दिया कि हम बहुत जल्दी आ गए Little longer than a few minutes later. यहाँ पे बैठ के फील ले लो आप पहली सीट पे कैसी लगती है मूवी तो भाई मूवी ख़त्म होने के बाद हम सबसे फर्स्ट वाली सीट पे आके बैठ गए ये देखने के लिए कि भाई मूवी सबसे आगे बैठने वाले लोगों को कैसी लगती होगी और लिटरली यहाँ पे बैठ के बहुत सारे लोगों ने अभी मूवी ये देखी है भाई हमसे तो भाई देखा नहीं जा रहा कैसे देखी होगी उन्होंने पता नहीं भाई मेरी तो गर्दन ही दुख जाती फिलहाल ये सब यहाँ पर पोस्ट क्रेडिट सीन का वेट कर रहे हैं जो कि नहीं आया था भाई गाइस मूवी हमारी हो चुकी है बहुत ही कमाल की मूवी थी भाई मज़ा आ गया देख के हाँ शाहरुख कैसी लगी अरे बहुत अच्छी लगी शाहरुख की मूवी थी शाहरुख को तो अच्छी लगी कैसी लगी बहुत बढ़िया सुपर हिट इमोशनली अच्छी है ब्लॉकबस्टर मुझे तो बच्चों को देख के मजा आया जो पठान में नाच रहा था तो भाई मूवी देख के हम लोग निकल चुके हैं घर पहुंच चुके अब तो बहुत तेज भूख लग रही है आज कुलचा तो बना था ये बनेगा ये तो पता ही था साथ में खाने के लिए क्या बना है खाने के लिए बना है पनीर टिक्का ओह पनीर टिक्का मसाला क्या बात है बहुत टेस्टी लग रहा है चालू करो थोड़ा हमारा पनीर अच्छा दिखे बहुत यम्मी दिख रहा है देखने में मेरी हानू बेबी भी रेडी हो गई है क्या हुआ हाँ बोलो बेबी
तो भाई ये देखो अपना पनीर टिक्का मसाला भी रेडी हो चुका है। इसको सोनम ने फ्लैग की तरह सजाया है, इंडियन फ्लैग की तरह, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन कलर में। भाई काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये साथ में बने हैं कुलचे। भाई मैं तो देखते ही इस पर टूट पड़ना चाहता था, लेकिन हमें लेना था इसका सिनेमेटिक शॉट और इसका फ़ोटो क्लिक करना था थंबनेल के लिए, क्योंकि सोनम के चैनल पर आपको इसकी रेसिपी देखने को मिलने वाली है, पनीर टिक्का एंड कुलचा दोनों की, तो देखना ज़रूर। आपको भी टेस्ट करना है? चलो हानिया और हानिया के पापा करेंगे टेस्ट। हानिया को कुलचा दे दो, बिना मसाले का अच्छा लगेगा उसे। कलर से फूड कलर भाई मजा आ गया कसम से, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब ऐसा तो बाहर रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा, आप घर पे बनाओ बढ़िया लगेगा, हेल्दी और हाइजीनिक और बहुत ही ज्यादा टेस्टी। भाई मजा आ गया कसम से। हाँ अभी टेस्ट कर रही है आज तो। शाले तू मेरी नकल तलता है। देखो हनिया को ठंडी लग रही है, ठंडी जमीन पे लेटी हुई है। बिल्कुल मैंने उसको बड़ा कंबल दिया, आधी कंबल में और आधा नीचे और लेगी, तो वो कंबल को ऊपर ले लिया उसने और ये नीचे लेती हुई। ठंडी जमीन पसंद है उसे, ठंडी जमीन अच्छी लग रही है। और ठंड कितनी है आज हनिया, हाथ पैर दुखने लग जाएंगे। पापा क्या बोल रहे सुनो। चलो मैं उड़ा लेती हूँ आपको, गोदी में ले लो, गोदी में ले लो मेरे बच्चे को। सो गाइस अभी साहिल आया था और अभी हमने वीडियो शूट करे, और समझ ही गए होंगे साहिल आया मतलब व्लॉग एंड करने का टाइम हो गया है। बाकी पठान का रिव्यू अगर साहिल से लो तो कैसी लगी? बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। और अगर यूनिवर्स बनाने की बात चल रही है तो भाई इससे बढ़िया सेटअप नहीं हो सकता है। ट्विस्ट एंड टर्न्स भी इसमें देखने को मिले, जिन्हें देख के मजा आया, और ये बड़ी स्क्रीन पे देखने लायक मूवी है। और हाँ मोबाइल में मत देखना अगर कोई देखना चाहता है तो, भाई यार मोबाइल में मत देखना। और पायरेसी को यूं भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं देखना, जाके थिएटर में देखो तो मजा आएगा। मजा आया गाइस, आप बताओ आपको ये व्लॉग कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।